दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे जबरदस्त नुस्खे के बारे में जिसको अगर आपने 30 दिन के लिए कर लिया तो आपके शरीर में से भयंकर पुरानी से बीमारी बीमारी जो है वो बाहर निकल जाएगी। इस नुस्खे को इतना आसान है करना कि आप इसे कभी करना भूलेंगे ही नहीं। वो बीमारियां भी आपके शरीर से बाहर हो जाएंगी जिनके लिए आप लंबे समय से दवाई खाते आ रहे हैं। इन बीमारियों को आप ठीक कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, नुस्खे के अंदर हम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी करिएगा। दोस्तों, पहली चीज है वो है दूध और दूसरी चीज है इसके अंदर हमने जो इस्तेमाल करनी है वो है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी का सर्दियों में इस्तेमाल करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि दालचीनी के इस्तेमाल सर्दियों में लगातार 30 दिन के लिए अगर कर लिया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी दालचीनी को इस्तेमाल करने के ताकि आप इनके फायदे जो हैं वो जबरदस्त और एडवांस तरीके से ले पाए। पहला जो दालचीनी का फायदा है वो है कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज के लिए। देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी नसें बंद होने लगती हैं, नसों में सुन्नपन आने लगता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, आपकी स्किन की टोन खराब हो जाती है, ये सारी बीमारियां आपको आ जाती हैं। धीरे धीरे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा इसका फायदा है घुटनों के दर्द के लिए। बुजुर्गों में तो अक्सर देखा गया है लेकिन आजकल यंग एज में भी घुटनों से कटकट की आवाज आने लग गई है। घुटने दर्द होते हैं, सूजन आ जाती है, वहाँ पर लाली मार जाती है। इसके अलावा सर्वाइकल पेन की समस्या हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, सामान उठाने में मतलब सक्षम नहीं हो पाते, हाथ मुड़ नहीं पाते। महिलाओं के साथ दरअसल ये दिक्कत ज्यादा होती है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान दर्द होना जिससे महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित रहती हैं, दवा भी खाती हैं लेकिन उसका असर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, दालचीनी का सेवन करने से आपकी ये समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इसके अलावा दालचीनी का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल में भी फायदा मिलता है। ब्लड शुगर के लिए अगर आप लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो वो आपकी दवाइयों को भी छुड़ा देगी दालचीनी। इसके अलावा हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी ये बहुत फायदेमंद होती है। जिनको वॉल्व्स की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, थोड़ा सा गुस्सा आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तब भी उनको दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो ऐसे में भी ये आपको दालचीनी का इस्तेमाल जरूर करना है। इसके अलावा लीवर से संबंधित समस्याओं में भी ये फायदेमंद है। शहर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के अंदर देखा गया है कि उनका रेस्पिरेटिव सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है या दमे की बीमारी जल्दी हो जाती है या उनको अर्थराइटिस की समस्या रहती है। महिलाओं में ये पीड़ा अर्थराइटिस वाली ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये त्वचा से संबंधित और सभी समस्याओं को ये दूर कर सकता है। अब जानते हैं कि कौन से 3 तरीके हैं जिनको करने से आप इन सभी बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो पहला तरीका है दालचीनी की चाय बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। आपने 1.5 कप पानी लेना है, उसे उबालना है, इसके अंदर 2 चुटकी भर दालचीनी पाउडर डाल देना है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। आपने शायद बहुत सारी मिसगाइड इन्फॉर्मेशन को लेकर दालचीनी का इस्तेमाल अगर 1 चम्मच या आधा चम्मच कर रहे थे तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दालचीनी का इस्तेमाल रोजाना सिर्फ आप 2 चुटकी ही कर सकते हैं। इस पानी को आपने उबाल लेना है, छानना चाहे तो छान ले, नहीं छानना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है। आप 5 से 7 मिनट जब उबालेंगे तो ये 1.5 कप का 1 कप रह जाएगा। अगर इसका सेवन आपने लगातार सुबह करना शुरू कर दिया तो पहले ही दिन से आप पाएंगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आप सीढ़ियां चढ़ेंगे या थोड़ा सा तेज चलेंगे तब भी आपको सांस नहीं चढ़ेगी। इसके अलावा जो ब्लॉकेज की समस्या के कारण आपकी नसों में दर्द होता है तो ये समस्या भी नहीं आएगी। आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा अगर कम हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करेगा, यूरिक एसिड भी शरीर में नहीं बढ़ने देगा। कई सालों से जो कंट्रोल में नहीं था यूरिक एसिड वो कंट्रोल में आ जाएगा। जो दूसरा तरीका है इस दालचीनी के इस्तेमाल का वो है दालचीनी, काली मिर्च और दूध। इसमें हमें काली मिर्च और दूध के भी इस्तेमाल करना होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1.5 कप आपने दूध लेना है, उसको उबाल लेना है। जब वो 1 कप रह जाए तो इसके अंदर आपने 2 चुटकी दालचीनी ऐड कर देनी है, 2 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर देना है। ये नुस्खा है जिसको
भी कैल्शियम की कमी है, जॉइंट पेन रहता है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल करना है। अर्थराइटिस जैसी समस्या है, जिनको नीली नसें दिखाई दे रही हैं आपके टांगों के पिंडलियों के पीछे, जिनको चेस्ट में इन्फेक्शन है, सांस की बीमारी है, जुखाम, खांसी, नचला, ये समस्याएं हैं, उनको इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। काली मिर्च जो है ये आपके डाइजेशन को ठीक करने में सहायता करेगी। उससे पहले जो कैल्शियम आपको शरीर को नहीं मिल रहा था, तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कैल्शियम आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलने लग जाएगा। तो ये काली मिर्च इसके अंदर ऐड जरूर करके ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो सके। तीसरा जो तरीका है दालचीनी का इस्तेमाल करने का, वो है शहद के साथ। शहद एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर को, आपकी त्वचा को डिटॉक्स करता है, किडनी फंक्शन को सही करता है, लीवर को भी डिटॉक्स करता है। ये नुस्खा अगर आप कर लेंगे तो लीवर आपका हमेशा के लिए जवान ही रहेगा, आपको कभी भी सांस चढ़ने की बीमारी नहीं आएगी, बाल झड़ने की समस्या नहीं आएगी, आपकी बॉडी के अंदर गंदगी जमा होने से जो आपका रंग काला पड़ रहा है ये समस्या भी नहीं आएगी, नाखून खराब हो रहे हैं, त्वचा के ऊपर सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही है तो ये समस्या भी नहीं आएगी। तो अब जानते हैं कि इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने कितने दिन तक करना है, कौन से नुस्खे को कितनी बार लेना है। पहला जो नुस्खा आपको मैंने बताया है दालचीनी की चाय बनाकर, इसको आप हमेशा सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। खासकर ध्यान रखिएगा उसे लेने के 2 घंटे तक आप कुछ भी खाएं पिए नहीं। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो ये नुस्खा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सुबह उठते ही खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है। 30 से लेकर 90 दिन तक लगातार सर्दियों के दिनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा नुस्खा जो है काली मिर्च और दूध के साथ दालचीनी का, वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम लिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा सुबह में आप खाली पेट लेने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर लिया, यानी कि दालचीनी की चाय बनाकर भी इस्तेमाल कर ली और दालचीनी, काली मिर्च और दूध वाला भी मटेरियल यूज कर लिया, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक का ही इस्तेमाल करिएगा। सुबह उठते ही आपने खाली पेट इसका सेवन नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा रुकने के बाद जब आपका पेट साफ हो जाए उसके बाद इसका इस्तेमाल करिएगा। तीसरा जो नुस्खा है दालचीनी और शहद वाला, इसको कम से कम अगर आप 3 बार लेते हैं तो आपको लीवर के इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, सोराइसिस, इन सभी समस्याओं से आपको आराम मिल जाएगा। आप दिन में 1 बार, शाम को कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिएगा तीनों नुस्खों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना, 1 बार में यानी 1 दिन में 1 नुस्खे का ही इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।